नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज। आज 73वां गणतंत्र दिवस है, जिसको लेकर आज जदयू कार्यालय में भी झंडा उत्तोलन किया गया। आपको बता दें कि बिहार समेत तमाम अनेक राज्य में झंडा उत्तोलन किया जा रहा है आज। इसी को लेकर बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जदयू के उमेश कुशवाहा ने क्या कुछ कहा है, देखे इस वीडियो में। इधर से हट जाइएगा, दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई। आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू हुआ, तब से हम लोग इस रूप में आज के दिन में गणतंत्र दिवस के रूप में यह त्यौहार मना रहे हैं। और इस अवसर पर गणतंत्र का अर्थ है जो हमारे किसी भी राज्य का जो सत्ता हो, जनसाधारण उसमें समाहित हो, और हमारे बिहार जो है पूरे विश्व को गणतंत्र का पाठ पढ़ाया, और गणतंत्र जो हमारे वैशाली जो जननी है वैशाली, वहाँ से इसका पूरे विश्व में इसका शुरुआत हुआ। और बिहार में जो मौजूदा सरकार है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, वो उसमें जनसाधारण की सरकार है। और पूरे माने हमारा जो आज के दिन इन लोगों को याद करने का दिन है, जो हम जो गणतंत्र जो हमारे आज़ादी दिलाई उन लोगों को नमन करते हैं इस अवसर पर, और उन्हें याद करने का दिन है। और आज संकल्प लेने का दिन है राष्ट्र और देश का निर्माण करने के लिए और भाईचारा निर्माण करने के लिए, और यही हम लोगों को संकल्प लेने का समय है और देश का विकास, राज्य का विकास संकल्प लेने का समय है। सुन लिया, हमारे साथ जदयू के बिहार प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा थे, जदयू कार्यालय में झंडा उत्तोलन किया और उन्होंने वीर शहीदों को याद किया। और क्या कुछ कहना था उमेश कुशवाहा का आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे NBC 24 न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।